सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए साल से पहले भू कानून पर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों के कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि भू कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किए जाने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी उत्तराखंड राज्य से बाहरी व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में अनुमति नहीं देंगे। इसके पूर्व में मुख्यमंत्री उत्तराखंड में भूमि क्रय से पूर्व खरीदार के भूमि खरीदने के कारण पृष्ठभूमि के सत्यापन के उपरांत ही भूमि क्रय करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भू कानून के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि भू कानून के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर जनसुनवाई की जाए और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाए। भू कानून के लिए विकेंद्रित व्यवस्था के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल किया जाए। उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में वर्ष 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड राज्य में 12 सितंबर 2003 से पूर्व अचल संपत्ति के धारक नहीं हैं, उन्हें कृषि व औद्योगिकी के उद्देश्य से भूमि क्रय करने के जिला अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के लिए नए भू कानून तैयार किए जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रारूप समिति गठित की गई है। देखिए, आम जनता की जीत है, सरकार की जीत है। मुख्यमंत्री जी ने शुरू से कहा है कि हम राज्य के लोगों के हक और अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे, उनका संरक्षण करेंगे। कांग्रेस ने ही इजाज़त दी थी, कांग्रेस की सरकार में ही जमीनों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिला था। कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने ही उस समय अपने शासनकाल में जमीनों की खरीद फरोख्त करने के आदेश निर्गत किए थे। तो कांग्रेस को तो आज इसके ऊपर जो है आत्मग्लानी करनी चाहिए, उनको इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि उनसे को जो गलती हुई है उस गलती का सुधार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि हम जनता की सेवा करने के लिए हैं, उनके संरक्षण करने के लिए हैं और राज्य के जनमानस के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। वहीं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि ये उत्तराखंड प्रदेशवासियों के दबाव में लिया गया फैसला है, पर देर से ही सही, सरकार आखिर जागी तो। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जब राज्य बना और राज्य के बाद जब 2002 में कांग्रेस की सरकार बनी, उस सरकार ने इस प्रदेश के अंदर एक भू कानून लाने का काम किया और उसके बाद खंडूरी जी की सरकार ने उस भू कानून को और मजबूत करने का काम किया। लेकिन उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उस सरकार ने इस भू कानून को ध्वस्त करने का काम किया, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश है और लोग सड़कों पर जो है जन आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए, उत्तराखंड के लोगों के दबाव के सामने सरकार झुकी है और ये निर्णय लिया है कि जो कृषि भूमि है वो बाहर के लोग नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन इस भू कानून के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है, समिति अपनी संस्तुतियां देगी, क्या कैसा भू कानून जो है सरकार लाएगी, जब ये सदन के अंदर आएगा तो हम निश्चित रूप से उस पर जो है विस्तृत चर्चा करने का काम करेंगे। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।